नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बड़ा अपडेट है, एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है 2024 के बोर्ड वार्षिक एग्जाम के लिए। आपको इस वीडियो में हाई स्कूल यानी दसवीं कक्षा का जो ब्लूप्रिंट है वह यहां पर दिखाएंगे। तो 2024 में सभी विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाले हैं, वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लें। अगर आप इस ब्लूप्रिंट से पढ़ाई करेंगे, इसमें 75 नंबर आने की पूरी गारंटी आपकी रहेगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले विज्ञान विषय का यहां पर आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इकाई बार अंक किस पाठ से कितने नंबर हैं, कितने नंबर के यहाँ पर एक नंबर के आएंगे, दो नंबर के आएंगे, चार नंबर के आएंगे, कंप्लीट बताया हुआ सभी पाठों के, सभी यूनिट के। तो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 75 नंबर का रहेगा। शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार अधिभार यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार का थोड़ा सा चेंजेस किया है। यहाँ पर ये चीज़ें भी दी हुई हैं, जैसे ज्ञान से संबंधित 25 से 33% और अवबोध से 30 अंक रहेगा, अनुपयोग से 12, कौशल से 8, योग टोटल 75 नंबर का पेपर, 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो कि स्कूल में आपको बना के जमा कर दिए होंगे, आप नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सरल क्वेश्चन 30% यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही जो कठिनता कठिन है 20%, औसत जो है 50% यहाँ पर रहेगा। आप देखते हैं इकाई बार किस पाठ से किस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे पहला पाठ हो गया अम्ल छाल लवण तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो कि 8 नंबर का है, 8 नंबर की टोटल यहां पर ये इकाई रखी गई है, इस पाठ को रखा गया अम्ल छाल लवण तत्वों का आवर्ती फलन। ये इसमें से 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी विकल्प पे चाहे रिक्त स्थान चाहे सही जोड़ी या एक शब्द, इनमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न इस पाठ से पूछा जाएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए कुल प्रश्न 2+2 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए 2 विकल्प हो गए, यानी 2 1 नंबर वाले हो गए और 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पर, ये 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला पार्ट है धातु एवं धातु कर्म अधातुओं का रसायन, जो है 8 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर में 1 नंबर का यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 नंबर की टोटल इकाई है और जिसमें से 2 नंबर माइनस हो जाएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, और साथ ही यहाँ पर 1+1 यानी जो यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, तो 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा 6 नंबर का। ठीक, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पार्ट से, ये टोटल 8 हो गए क्योंकि 2 यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए और 6 नंबर का ये, तो देख सकते हैं इस बार 6 के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 6 अंक के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक जीवन में रसायन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, यहाँ पर देखिए ये 1+1=1 दिया हुआ है, इसका ये अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। साथ ही तीसरा पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की 8 नंबर की इकाई है, 2 1 नंबर वाले रहेंगे, 2 नंबर वाले 1 प्रश्न रहेगा, 4 नंबर वाला 1 प्रश्न रहेगा, टोटल क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं 2+2 यानी 2 जो है विकल्प वाले हो गए 1 नंबर वाले और 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। फिर यहाँ पर ऊष्मा एवं ताप ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत से संबंधित चौथा जो इकाई है 7 नंबर की रहेगी, 2 नंबर के विकल्प यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक, तो इस वाले से ज़्यादा मतलब नहीं है, टोटल कितने क्वेश्चन इस पार्ट से है, मतलब है इन वाले से। और ये जैसे 5वां इकाई है प्रकाश परावर्तन एवं उत्परावर्तन समतल सतह एवं गोली सतह से, तो 10 नंबर की टोटल इकाई है, बड़ी इकाई है, यहाँ पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और साथ ही 5 नंबर का भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं 6 नंबर जो है विद्युत धारा परिपथ विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये 9 नंबर की इकाई रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं 9 में से आपके यहाँ पर 1 नंबर वाले 1 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही जो यहाँ पर 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो 1 नंबर का 3 नंबर का 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन का टोटल कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ पर देखिए 7वां जो इकाई है जीवों का विकास अनुवांशिकी जनकों संतानों तक, यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर की इकाई है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इससे 1 नंबर का 1 ही क्वेश्चन रहेगा। साथ ही यहाँ पर देखिए 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, फिर 4 नंबर का इस पार्ट से पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा।
ठीक। फिर इसके बाद 8 नंबर जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन नियंत्रण समन्वय प्रजनन वृद्धि परिवर्तन। 13 नंबर की एक बड़ी इकाई है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर की बड़ी इकाई में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर का यहाँ पर 1+1=1, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पर ये 3 पार्ट बने हुए हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपको बता दें यहाँ पर देखिए 9 नंबर में यहाँ पर हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा, यहाँ पर देखिए 4 अंक का टोटल यूनिट रहेगा, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा, टोटल आपके 75 हो जाते हैं और 15 यहाँ पर विकल्प है, मतलब 15 यहाँ पर देखिए ये टोटल नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर ये जो है क्राइटेरिया आपको समझना पड़ेगा कितने नंबर का जैसे रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये टोटल क्वेश्चन दिया, ये नंबर दिया 75, ये 15 क्वेश्चन एक नंबर वाले यहाँ पर, और यहाँ पर एक और ये 10 और यहाँ पर 12, ये यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन बताया हुआ है 75 1+17 यानी 18 टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन बनेंगे ये। फिर ये जो है यहाँ पर देखिए कुल प्रश्न जो है 18 टिप तारांकित प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे, ये जो तारांकित है यहाँ पर आपने स्टार देखा है, ठीक। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कुल अंक 75 जैसे है, तो 6 अंक वाले प्रश्नों में संबंधित इकाई के अध्याय से 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि पहले ही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई डाउट है, डाउट होना नहीं चाहिए, जैसे आपको दिखा देते हैं तारांकित वाले क्वेश्चन किस किस पार्ट से आएंगे। देखिए तारांकित जैसे ये वाला जो है शुरुआत में पहला पार्ट से 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आप देखेंगे स्टार लगा हुआ है, तो ये तारांकित है और तारांकित बताया हुआ है स्टार वाला तारांकित प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे, यानी इस वाले 4 नंबर वाले में आंतरिक विकल्प रहेंगे, यानी यहाँ पर आपको अथवा का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए इसमें मिल जाएगा इस वाले में, तो इस वाले में जैसा पहले बताया 6 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 6 अंक ना देके 3-3 नंबर के 2 यहाँ पर पोर्शन बना दिए जाएंगे, क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर रहेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो 3-3 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, यानी 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाएगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये वाला तारांकित है 5 नंबर से, इसमें आंतरिक विकल्प रहेगा अथवा रहेगा, और इसमें देखिए ये 6 नंबर से एक क्वेश्चन 5 अंक का है यहाँ पर, इसमें भी आंतरिक विकल्प रहेगा। बाकी इस वाले में देखेंगे 7 नंबर वाले में देखेंगे अगर आप इस वाले में, तो यहाँ पर 4 नंबर में अथवा का ऑप्शन रहेगा, यानी अथवा वाला ऑप्शन जो है 4 नंबर से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं 4 अंक की यहाँ पर तालिका है। फिर 8 नंबर में भी 4 नंबर का है, यहाँ पर भी आंतरिक विकल्प रहेंगे, और ये वाला जो देखेंगे 8 नंबर पार्ट से ये 6 अंक जो है तो 1+1 यहाँ पर बताया हुआ है, तो 1+1=1 यानी एक क्वेश्चन वो भी अथवा में रहेगा, 3-3 नंबर का यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। यानी दोनों आपको करना पड़ेगा, 3-3 नंबर में डिवाइड यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो लिख लें और शेयर कर दें, वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये बार बार आपको देखना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।